फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, लेकिन ये कुछ अलग टाइप के हैं। इसमें पहले हमें इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई गुना में है, इस वाली समीकरण में भी एक्स वाई गुना में। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं पहली समीकरण और इसको दूसरी। तो अब हम इन्हें पहले रैखिक समीकरण में बदलना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? इसके एक्स वाई को यहाँ दोनों तरफ डिवाइड में ले आएंगे। कैसे? 5x डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई से, प्लस 3y डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई से। ठीक है, एक्स वाई से यहाँ दोनों में डिवाइड हो गया। अब बराबर में कितना बच गया? 2। ऐसे ही इसमें कर लीजिए, 10x बटे एक्स वाई प्लस 9y बटे एक्स वाई, बराबर में बचा 5। ठीक है, अब आप देखेंगे इसे पूरी सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से x काट दिया, यहाँ पे y से y काट दिया। अब जो बचता है उसे लिखा तो 5/y प्लस 3/x बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचता है x x उड़ाया और यहाँ पे y से y, तो यहाँ पे भी बचा 10/y प्लस 9/x बराबर 5। ये समीकरण बन गई हमारी, लेकिन अभी भी ये कैसे नहीं है? एक रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। जैसा कि इन्हें कैसा होना चाहिए था? इन्हें होना चाहिए था ऐसा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में ये अभी नहीं है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है 5/y और 3/x और यहाँ लिखा हुआ है 10/y और 9/x, यानी कि ये बटे में लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना 5/y, इसकी जगह इसको क्या मान लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको 5 × 1/y, 5 × 1/y ऐसे इसे मान लेंगे। और जैसे ये लिखा हुआ है 3/x, इसको मान लेंगे हम इसके साथ 3 × 1/x, इसे ऐसे मान लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे। ठीक है, इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिखने वाला हूं। इसमें देखिए कैसे करते हैं। यहां पे मैंने लिखा सबसे पहले माना 1/y बराबर किसके है? p के, और कॉमा 1/x बराबर किसके है? q के। ठीक है, हमने 1/y और 1/x को p और q मान लिया। अब इसे इसके अंदर रख के दिखाता हूं कैसे रखेंगे। देखिए, 5 × 1/y ऐसे लिख लिया, प्लस 3 × 1/x बराबर में क्या लिख दिया? 2। अब यहां लिखा 5, 1/y की जगह क्या रख देंगे? p, 1/y की जगह p आ गया, प्लस 3, 1/x की जगह कौन आ गया? q, बराबर में कितना लिख दिया? 2। ऐसे ही आप इसे भी लिख लेंगे। कैसे लिखोगे आसानी से इसे? 10 × 1/y मतलब p, प्लस 9 × 1/x मतलब q, बराबर कितना हो गया? 5। अब ये जो है आपकी नई समीकरण बन गई, ये जो समीकरण है ये बन गई है, ये p वाली हो गई और पी क्यू में आ गई है, पी क्यू फॉर्म में। अब इसमें क्या है, ये इस तरीके से बन गई, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरीके की समीकरण बन गई, बिल्कुल एक सीधा। ठीक है, ये रैखिक समीकरण हो गई जिसमें दो चर हैं जिनका नाम p और q है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें किसी भी एक विधि से सोल्व कर लेंगे। देखिए, मैं इन दोनों को साथ में यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने, ये देखा, इसको सब ये दूसरी ही बनकर आई है, ये पहली बनकर आई है। तो ये क्या है, इसको देखा और इसको देखा, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 है, तो आप p को क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, 2 से गुना कर दी। जब आपने यहाँ पे 2 से गुना की इस वाले में 5p में, तो ये हो गया कितना? 10p प्लस 6q बराबर 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी समीकरण इसके नीचे लिख लेते हैं। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिखी
दस पी प्लस नौ क्यू बराबर पांच, ये आपने इसे माइनस कर दिया, माइनस माइनस और माइनस ये कट गया। उसके बाद ये देखा ये छह है ये नौ है तो माइनस के तीन क्यू बराबर ये बचा माइनस का एक, तो क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू बराबर हो गया एक बटा तीन, क्यू बराबर कितना आ गया हमारा एक बटा तीन, क्यू की वैल्यू आ गई एक बटा तीन। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यू से पी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू का मान पहली समीकरण में रख देते हैं इस वाली में, ठीक है, क्यू का मान पहली समीकरण में रखेंगे, पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है पांच पी प्लस तीन क्यू बराबर दो, इस समीकरण में हम क्यू का मान एक बटा तीन रख देंगे, कैसे रखेंगे देखो जरा, पांच पी प्लस तीन गुना एक बटा तीन, क्यू का मान आ गया एक बटा तीन बराबर दो, तीन से तीन काट दिया, अब क्या बचा पांच पी प्लस एक बराबर दो, ठीक है, यहां पे लिखा पांच पी बराबर ये दो उधर जाके कितना बचेगा, दो में से एक जाके एक बच जाएगा, तो पी बराबर कितना आ गया एक बटा पांच, पी की वैल्यू आ गई आपके पास और क्यू की भी वैल्यू आ गई। जब पी और क्यू की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका आपको किसकी वैल्यू बतानी थी एक्स और वाई की, और हमारी किसकी निकल आई है पी और क्यू की, तो हमें क्या करना है, हमें वापस अपनी पी और क्यू की वैल्यू को वापस दे देना है, जिससे लिया था वापस दे देना है, वन अपॉन वाई यहां पे लिखेंगे चूंकि वन अपॉन वाई बराबर है किसके पी के, वन अपॉन वाई किसके बराबर है पी के, तो वन अपॉन वाई की जगह पी की जगह पी की वैल्यू रखी आपने एक बटा वाई बराबर पी, पी आया एक बटा पांच, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके पांच, ठीक है वाई की वैल्यू पांच आ गई। अब इसी तरीके से हम x की वैल्यू भी कर लेंगे, x की वैल्यू क्या थी एक बटा एक्स बराबर कितना है क्यू, यहां पे लिखा आपने एक बटा एक्स बराबर किसके है क्यू के, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पे लिखा एक बटा एक्स बराबर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू की वैल्यू थी एक बटा तीन, तो आपने यहां लिखा एक बटा तीन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से आपकी तीन, y की वैल्यू पांच आई है x की वैल्यू तीन आई है। अब चाहे तो आप इनकी जांच करके देख सकते हैं, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहली समीकरण है इसकी, तो इसमें अगर मैं जांच करके देखूं तो आप जब जांच करोगे तो पांच गुना x की वैल्यू तीन प्लस तीन गुना y की वैल्यू बराबर में ये हमारी कौन सी LHS हो गई, और RHS में क्या आएगा, RHS में आएगा दो गुना एक्स की वैल्यू तीन गुना पांच, ठीक है, तो ये पांच थी पंद्रह प्लस पंद्रह कितना आया तीस, LHS में तीस आ गया, RHS में दो तिया छह, छह पंजे तीस, RHS बराबर है LHS, इस प्रकार हमारे आंसर क्या है बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम दो चरों में रैखिक समीकरण बदलकर इस प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या किया हमने, हमने सबसे पहले एक्स वाई से डिवाइड किया था, उसके बाद हमने इसे इस ऐसी फॉर्म में बदल लिया था, उसके बाद हमें क्या करना है वन अपॉन वाई वन अपॉन एक्स को कुछ मान लेना है, इस प्रकार ये रैखिक समीकरण में भिन्न बदल जाएगी, इस रैखिक समीकरण में इस प्रकार की भिन्नों में बदल जाएगी, फिर आप कोई भी विलोपन प्रतिस्थापन या वर्जगुणन विधि लगाकर पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपकी पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो आपको वापस उन्हें वन अपॉन वाई और वन अपॉन एक्स की जगह रख देना है, इस प्रकार आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें M4M Mathematics को। धन्यवाद।